इसरो ने किया चंद्रयान 1 लॉन्च, फिर इसरो ने किया मंगलयान लॉन्च, और उसके बाद इसरो ने किया चंद्रयान 2 लॉन्च। और इसलिए हम लोग लेकर आ गए बेस्ट एंड्रॉइड लॉन्चर्स इन 2023 दैट यू शुड यूज राइट नाउ। अबे साले, तो मेरे प्रिय एडिटर भाई, आप बिना किसी देरी के सबसे पहले इंट्रो रोल कर दो, हम बाकी स्टफ रोल करते हैं। जो सबसे खास बात है एंड्रॉइड की कि इट्स एन ओपन ओएस, यानी कि आपके पास काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है काफी सारे फीचर्स का, और काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो एंड्रॉइड में। फिर चाहे आपको ऐप लॉन्चर यूज करना हो कोई, या फिर आइकन पैक्स बदलने हो अपने फोन के, या फिर कोई आपको डिफरेंट टाइप की वॉलपेपर्स लगानी हो। वैसे वॉलपेपर्स से याद आया, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें आपको पता चलेगा बेस्ट लाइव वॉलपेपर्स दैट यू शुड यूज इन एंड्रॉइड। तो ऊपर आपको कार्ड दिख रहा होगा, आप जाके जरूर देख सकते हैं उसको। और इन लॉन्चर से फायदा ये होता है कि जो आपका फोन है जिसको आप कॉन्स्टेंटली एक ही टाइप के तरीके से देखते आ रहे हो, उसका थोड़ा सा लुक और फील चेंज हो जाता है, जिससे फोन आपका थोड़ा फ्रेश लगने लगता है। और थीम्स भी आप चेंज कर सकते हो, जिससे आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, बाकी अगर आपके कोई दोस्त देखते हैं तो वो भी काफी इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले आ जाता है नोवा लॉन्चर प्राइम, और ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर में 2012 से, तो काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी पहले से ये चलती आ रही है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है एक एंड्रॉइड लॉन्चर लेआउट, जिसमें आपको अलग अलग टाइप की काफी ज्यादा होम स्क्रीन भी देखने को मिलती है, एंड इट्स सुपर कस्टमाइजेबल एज वेल, और उसी की वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। फिर चाहे आपको अपना आइकन पैक बदलना हो, लाइट मोड से डार्क मोड में जाना हो, काफी इजिली हो जाता है इस ऐप की मदद से। इसके साथ ही इसके प्रीमियम वर्जन में आपको थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी एप्स हाइड कर सकते हो और थोड़े जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है नायग्रा लॉन्चर, विच इज अ वेरी मिनिमलिस्ट लॉन्चर, और इसकी खास बात यह है कि इसमें जितनी भी एप्स आपको दिखाई देती हैं उनको आप वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो लाइन बाय लाइन। और इससे फायदा यह होता है कि आप अपने डिवाइस को एक हाथ से इजिली कंट्रोल कर सकते हो, फिर चाहे आपको किसी को मैसेज भेजना हो या फिर ईमेल सेंड करने हो, उन सारे टास्क में ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉन्चर फ्री टू यूज है और इसमें आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है हाइपरियन लॉन्चर, और अगर आपको थीम सेट करने का काफी ज्यादा शौक है अपने फोन में, देन दिस इज द लॉन्चर फॉर यू, क्योंकि बाकी नॉर्मल फीचर्स तो आपको देखने को मिलते ही है, लेकिन इसके साथ ही आपको डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है इस ऐप में। फिर चाहे आपको अपने फोल्डर्स का कलर चेंज करना हो, या फिर अडैप्टिव आइकन सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको वॉलपेपर स्क्रॉल करना हो, इन कूल इफेक्ट से आपके लॉन्चर को एक वाव फैक्टर मिल जाता है, जिससे आपके फोन की शान और बढ़ जाती है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है नथिंग लॉन्चर। आई एम श्योर आपने नथिंग के फोन देखे होंगे, और उनका जो ओएस का स्टाइल रहता है मोनोक्रोमेटिक, वो काफी ज्यादा अपीलिंग और थोड़ा सा डिफरेंट और मिनिमलिस्टिक लुक देता है। और वैसा लुक अगर आप चाहते हो कि आपके फोन में भी रहे, देन दिस इज द लॉन्चर फॉर यू। हालांकि ये नथिंग लॉन्चर नया नया ही है, लेकिन जो सिंप्लिसिटी और एस्थेटिकली प्लीज लुक देता है वो काफी अच्छा लगता है, और जो बाकी जो ओएस है उनसे काफी ज्यादा सिंपल फील होता है, इसलिए आपको इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगेगा। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है स्क्वायर होम। हालांकि हो सकता है कि ये ज्यादा लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन अगर आपको मिनिमलिस्ट ऐप लॉन्चर चाहिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें ग्रिड बेस्ड लेआउट देखने को मिल जाता है, जिसको आप हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली इजीली स्क्रॉल कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको विजेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता ही है, और आप सुपर यूजफुल शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हो राइट ऑन योर होम स्क्रीन। और अगर आपको याद हो नोकिया लूमिया जो फोन आता था, उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट स्टाइल लॉन्चर था वैसा ही एक लुक देता है, तो आपको थोड़े एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग भी आ जाएगी। लेकिन ये लॉन्चर फ्री तो है, बट विद अ 14-day ट्रायल, उसके बाद आपको पैसे जरूर देने होते हैं। तो ये थे 5 ऐसे बेस्ट एंड्रॉइड लॉन्चर्स इन 2023 जो मुझे लगा कि आपको जरूर से अपने एंड्रॉइड फोन में ट्राई करने चाहिए। और अगर आपने कोई ऑलरेडी ट्राई कर रखा है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कोई आपकी सजेशन है कि यार ये वाला हमने मिस कर दिया, आप जरूर बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें गीगीफाइड को। और मैं मिलूंगा आपसे अगली ही कोई एंड्रॉइड रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।